घेवर खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। जैसे हलवाई के घेवर होते हैं वैसे ही घर में बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये हमारे पास प्लेन घेवर हैं और ये हमारे पास रबड़ी घेवर है, और चाहे तो इसको मलाई घेवर भी बना सकते हैं। तो आइए, घेवर बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत है और कैसे ये बनाया जाता है तो अभी जान लेते हैं। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बनाएंगे रबड़ी घेवर। रबड़ी घेवर कैसे बनाया जाता है आप भी जान लीजिए और हम भी बनाते हैं। अगर आपको भी बनाना हो साथ साथ में बनाइए। इसको बनाने के लिए हमारे पास ये मैदा है और ये हमने देसी घी लिया है। आज हम इसको बनाने वाले भी देसी घी में ही हैं। चाहे तो आप रिफाइंड में, ओलिव ऑयल में, किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम रबड़ी घेवर यहाँ पे देसी घी में बनाएंगे। और ये हमारे पास आइस है। ये घी हमने इसलिए लिया है, पहले हमें इसका जो एक क्रीम टाइप होता है ना, फोम टाइप वैसा बनाना है, और वो हम बनाएंगे आइस डालने के बाद। तो अभी इस घी में हम ये आइस डाल देंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से बनाऊँगी। घोलना शुरू कर देंगे। बस इसमें जो है हाथ से फेंटने की थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है। इसको हम फेंटते रहेंगे अच्छे से जब तक ये फोम की वो ना ले ले, मतलब जैसे क्रीम होती है ना, फ्रेश क्रीम, उस टाइप का ना बन जाए। ये देख रहे हैं आप, क्रीम की तरह ये अभी बनकर तैयार है। तो इसकी जो आइस है हम वो उसी बाउल में निकाल देंगे और फिर से हम इसको फेंटेंगे। हम इस जितनी भी आइस बची हुई है इसी में निकाल देंगे और फिर से इसको फेंटना स्टार्ट कर देंगे। इसको हमें तब तक फेंटना है जिससे आपको पता ही है कि घी दानेदार होता है, इसके दाने ख़त्म होने चाहिए, वो बिल्कुल क्रीम की तरह ये होना चाहिए स्मूथ। वो हमें हाथ से पता चल जाएगा कि इसमें दाने अभी हैं या नहीं। हम इसी प्रकार इसको फेंटते रहेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, इस प्रकार हमें पता चलना चाहिए कि इसमें दाने अभी हैं या नहीं। जब तक इसके दाने ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ये घी फेंटना होता है। देख लीजिए, एक फोम बनकर तैयार हो चुकी है ये अच्छे से, जैसे क्रीम होती है। और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर से हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने में, यानी इसका जो बैटर बनाएंगे ना हम घेवर का, इसमें आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका घेवर बनेगा। इसको फेंटने में ही मेहनत है, इसको अच्छे से फेंटना होता है। फिर से हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें सारा मैदा ऐड कर लिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो हम पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे। पानी भी हमें इसमें ठंडा ही लेना है, यानी जो फ्रिज का पानी होता है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैदा घी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें घी है। और ठंडा पानी से क्या होगा, मैदा जो है घी को बांध कर रखेगा, उसमें घी नहीं आएगा। और इस प्रकार हम इसको हाथ से घोलते रहेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक साथ हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें इसकी जो इसमें जो गांठे हैं ना, ये गांठे ख़त्म होने तक इसको हमें इसी प्रकार फेंटना है। इसकी हमें सारी गांठे यानी लम्स वो सारे ख़त्म करने हैं मैदा से। ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार का ये हमें बनाना है। देख लिए किस प्रकार ये हाथ से फिसल रहा है, इसी प्रकार ये
फिसलना चाहिए। अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। क्योंकि जो एक घेवर का जो बैटर होता है ना, उसी प्रकार का हमें ये बनाना है। पानी इसमें फ्रिज का ही आप ऐड करें, चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। जब हम मैदे में स्टार्टिंग में पानी का इस्तेमाल किया है हमने, तो आप उस समय पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसमें पानी डालना ही पड़ेगा। तो जितना भी हम पानी का यूज़ करेंगे, वो हम फ्रिज के पानी का ही यूज़ करेंगे। इस प्रकार का ये होना चाहिए। लम्स सारे ख़त्म होने चाहिए, यानी जो गाँठें होती हैं वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी, और फिर से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, यानी फेंट लेंगे। इसको हमने 10 मिनट तक फेंटा है, यानी बीच बीच में जैसे 2 मिनट के लिए फेंट दिया, फिर 1 मिनट के लिए रुक गए, 2 मिनट के लिए फिर से फेंट दिया, 1 मिनट के लिए रुक गए। इस प्रकार हमने इसको फेंट कर तैयार किया है। अभी ये घेवर बनाने के लिए तैयार है। अभी हम इसका घेवर बनाएंगे। इसमें पहले हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। ये हमारे पास आधे नींबू का रस है, हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास घेवर बनाने की मैदे की क्वांटिटी उतनी है। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं इसमें क्योंकि ये मैदे को जो है बांधे रखता है। जब हम घेवर बनाएंगे ना, तो ये मैदे को बांधे रखेगा अच्छे से। और इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे, यानी इसको फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। अभी हम इसका घेवर बनाएंगे। अभी हमने इसमें ये देसी घी डाल दिया है। हम छोटी कढ़ाई में बना रहे हैं इसको, ताकि हमारा छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो जाए। आप चाहे तो इसको जो इसके मोल्ड आते हैं, यानी रिंग टाइप आते हैं, और जिस भी आपको मतलब होता ना कि जैसे हमें इस फ्रेम का घेवर बनाना है या फिर इस फ्रेम का घेवर बनाना है, तो अलग अलग फ्रेम्स आते हैं, अलग अलग तरीके के मोल्ड आते हैं, आप वो मंगवा कर भी बना सकते हैं। और छोटी कढ़ाई मैंने इसीलिए रखी है ताकि ये छोटा सा सर्कल आ जाए। अगर आप मोल्ड के साथ बना रहे हैं तो बड़ी कढ़ाई रखें और उसी में घी डालें। घी जैसे हमने आपको बताया, हम देसी घी में बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको रिफाइंड में या फिर ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को हम चेक कर लेंगे, हीट आने लगती है घी के ऊपर से, हाथ घुमा के आप देख लें। और इसको हमने फुल आँच पर ही जो है गरम किया है घी को, तो अभी हम थोड़ी सी धीमी करेंगे गैस, मतलब यानी मीडियम रखेंगे गैस को, और इसमें हम बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। बैटर हम यहाँ पे रमचे की मदद से डाल रहे हैं क्योंकि बड़े बर्तन से नहीं डलेगा। आप चाहे तो जो टोमेटो केचप की बोतल होती है उसमें भरकर भी आप डाल सकते हैं। मैंने एक रमचे में ले लिया है ये बैटर, और मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालूँगी। ध्यान से डालना है इसको, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ऊपर आता है एकदम से, बीच में हम डालते जाएंगे। फिर से हम थोड़ा 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 डालेंगे। एक बार तो हमने पूरा डाल दिया, अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी जैसे झाग खत्म हो गए हैं डालने के बाद, हम बीच में थोड़ी सी जगह रखेंगे डालने के लिए, क्योंकि हमें ये बीच में ही डालना है, साइडों में नहीं डालना है। फिर से हम बीच में इसको डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और झाग खत्म हो जाएंगे जैसे ही, फिर से हम थोड़ा सा डालेंगे। इस प्रकार डालते रहेंगे इसको, और साइडों से अच्छी सी इसकी बाइंडिंग आ जाए तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा साइडों से डालेंगे इस प्रकार। जैसे अभी ये घेवर का सर्कल बनकर तैयार है, थोड़ा थोड़ा सा घी हम उठाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे, ताकि ये कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। साइडों में ना थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि ऊपर से भी पक जाए। या तो आप दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा कढ़ाई या किसी भी बर्तन में गरम कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दें।
अभी और 2 मिनट में सिक्कर तैयार हो जाएगा। अभी ये घेवर सिक्कर तैयार है, ऊपर से भी और नीचे से भी। हम स्पून की मदद से या फिर किसी डंडी की मदद से इसको इस प्रकार निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा घी इसमें निकाल देंगे। इस प्रकार टंगाकर पूरा एक्स्ट्रा घी इसका निकल जाना चाहिए। आप चाहे कितना मोटा और कितना भी पतला, छोटा बड़ा, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने ये एक प्लेट ली है, प्लेट में एक कटोरी रखी है, इसके ऊपर इस रिंग को हम रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर से हम दूसरा घेवर बनाएंगे इसमें, तो दूसरा घेवर बनाने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें ऊपर से डालेंगे बिल्कुल, ताकि इसके लच्छे बनने चाहिए साइडों में। जैसे ही झाग ख़त्म हो जाए हम दोबारा डाल देंगे। जैसे हमने पहला घेवर बनाया है इसी प्रकार हम सारे घेवर बनाकर तैयार करते हैं। अभी ये सभी घेवर बनकर तैयार हैं। चाहे तो हम इनको ऐसे ही अभी रख सकते हैं, जब हमें खाने का मन हो तब हम इन पे चाशनी डाल सकते हैं, क्योंकि चाशनी हमें इनको ठंडा होने पर ही डालनी होती है। अगर हम गरम गरम पे चाशनी डालते हैं तो ये मुलायम पड़ जाते हैं। जैसे अभी ये बनकर तैयार हो गए हैं तो इनको मैंने 5 से 10 मिनट ठंडा कर लिया है। अभी हम इनके लिए चाशनी बनाएंगे। हमने ये एक पैन रखा है और इस पैन में हम शक्कर डाल देंगे। ये 1 कटोरी शक्कर है तो ये हमने डाल दी है, और ये हमने 1/2 कटोरी शक्कर और डाल दी है। अब इसी के नाप से हम इसमें पानी डालेंगे। अभी ये 1/2 कटोरी शक्कर है तो इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। अभी हम शक्कर मेल्ट हो चुकी है और हमें ये एक तार की चाशनी बनानी है, तो ये चाशनी जल्दी ही बन जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाल देंगे। मैं इसमें यहाँ पे 1 चुटकी जो ग्रीन इलायची होती है उसका पाउडर डाल रही हूँ। और मेरे पास ये केसर के धागे हैं जो मैंने पहले से ही इसमें घोल के रखे हैं ताकि अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि हम इमीडिएट डालते हैं तो उसमें अच्छे से कलर नहीं आता, और हम पहले से ही रख देते हैं घोल कर तो उस पर अच्छे से कलर आ जाता है। तो हमने ये पानी में घोल कर जैसे रखे हुए हैं तो इसमें पानी ये भी पक जाएगा, हम इसमें ये डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसको पका कर हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनकर अभी तैयार है। हमें इसमें जैसे 1 तार की चाशनी चाहिए, जैसे आपको बताया कि 1 तार की चाशनी हमें बनानी है, तो अभी हम इसको 1 तार की चाशनी इस प्रकार चेक कर लेंगे। ये जो लास्ट की बूंद आएगी ना तो उसमें 1 तार बनेगा, ये इसमें ये 1 तार बनना चाहिए। और अभी ये चाशनी बनकर तैयार है, हम गैस बंद कर देंगे। चाशनी को हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम घेवर के ऊपर डालेंगे। हो चुकी है, देख लीजिए ये इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी तार इसमें छूटना स्टार्ट हो जाना चाहिए ठंडी होने के बाद। एक लंबा तार बन रहा है इसमें, और मतलब मीडियम ठंडी है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। तो इसी प्रकार की चाशनी हमें अभी घेवर के ऊपर डालनी है। हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और एक प्लेट में एक कटोरी रख लेंगे, और एक घेवर उठाएंगे और कटोरी के ऊपर रखेंगे, और इस पर धीरे धीरे से हम चाशनी डालेंगे, क्योंकि इसको हमें डिप नहीं करना होता। थोड़ा थोड़ा चाशनी हम डालते जाएंगे, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे ऑब्जर्व करती जाए। क्योंकि एक साथ पूरी डालेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, फिर घेवर में अंदर नहीं जाएगी। जहाँ जहाँ पे ड्राई होने लग जाए फिर से उस पर चाशनी डालनी स्टार्ट कर दें। एक एक बूंद नीचे गिरेगी, वो गिरने दें। अच्छे से हम इस पे चाशनी डालेंगे।
अभी इस पे चाशनी डल चुकी है, इस घेवर को हम हटाएंगे, दूसरा घेवर उठाएंगे, उस पे भी हम इसी प्रकार चाशनी लगाएंगे। सभी घेवर हम इसी प्रकार चाशनी लगाकर तैयार कर लेंगे, सब पे चाशनी लगा देंगे। सभी घेवर पे चाशनी लगाकर हमने तैयार कर लिया है, तो हम दोनों प्रकार के यहाँ पे घेवर बनाएंगे। एक तो जैसे हमने बताया था हम आज रबड़ी घेवर बनाने वाले हैं, तो एक घेवर पे हम रबड़ी लगाएंगे, मतलब जितने मर्जी पे भी लगा सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, रबड़ी भी हमारी घर की बनी हुई है, रबड़ी को लेंगे और ये घेवर पे जमाते जाएंगे अच्छे से, इस प्रकार इसको लगा दें। आप चाहे तो रबड़ी की जगह पे मलाई लगा सकते हैं, जैसे जो दूध की फ्रेश मलाई होती है आप वो भी लगा सकते हैं इस पे। हम घेवर पे चारों तरफ इसी प्रकार रबड़ी लगा देंगे। तो जैसे रबड़ी में भी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हम इस पे थोड़े से पिस्ता और डाल देंगे, चाहे तो आप इस पे बादाम भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो इस पे डाल सकते हैं। ये तो देसी घी का रबड़ी घेवर बनकर तैयार है। इस प्रकार आप रबड़ी घेवर बनाएं, और ये हमारे पास प्लेन घेवर है जिसमें हमने अभी चाशनी डाली हुई है। कई सदस्यों को क्या होता है कि प्लेन पसंद आता है, तो वो प्लेन घेवर इस प्रकार बनाएं, जैसे इसमें चाशनी अभी डाल दी है और इसके ऊपर से वो प्रेस मलाई भी लगा सकते हैं अगर उनको मलाई पसंद है तो, और कुछ भी नहीं लगाना है तो इस पर हम ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। कई सदस्यों को रबड़ी और मलाई पसंद नहीं आती है, वो प्लेन खाना पसंद करते हैं, तो वो इस प्रकार इसको प्लेन खा सकते हैं। अभी हमारे पास दोनों टाइप के घेवर बनकर तैयार हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर फ्रेश मलाई लगाएं या फिर ऐसे ही खाएं, ऐसे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ये दोनों घेवर बनकर तैयार हैं, अभी इनको खा सकते हैं। इस प्रकार आप घेवर बनाएं, आपके घेवर भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, सावन के महीने में जैसे घेवर बहुत ज़्यादा फेमस होता है, सभी सदस्य खाते हैं इसको, हलवाई की दुकान पर भी ये साल में एक बार ही मिलता है, जो सावन का महीना होता है तभी ये घेवर हमें मिलता है। आप इसी प्रकार बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने अनुभव शेयर करें। आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें पता भी चलता है कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।